फरुखाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने नर्सिंग होम संचालिका से 5 लाख रुपया महीना देने की रंगदारी मांगी और ना देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। फरुखाबाद में गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। थाना कमलागंज के समीर नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर रश्मि मिर्जा से दबंगों ने मारपीट कर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। हमलावर डॉक्टर की सोने की चेन और टॉप्स भी लूट कर ले गए थे। डॉक्टर ने थाने के अलावा 112 को जानकारी देकर तहरीर दी थी। सुनवाई न होने पर पीड़ित डॉक्टर एसपी से गुहार लगाने भी पहुंची थी। कमलागंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर निवासी नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर रश्मि मिर्जा पत्नी अनवर मिर्जा एसपी से गुहार लगाने पहुंची थी। उन्होंने बताया था कि पिछले 3 वर्षों से पति को गुंडे लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। पति 2 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। 3 माह से एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगा चुकी हैं। डॉक्टर का आरोप है कि थाना पुलिस से गुंडों ने सांठगांठ कर ली, जिसकी वजह से थाना पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस से शिकायत करने पर नामजद आरोपी रंगदारी मांगने वाले बदमाश अपने साथियों के साथ नर्सिंग होम पर आ धमके और उसको मार पीट कर सोने की चेन और टॉप्स लूट कर ले गए। हमलावरों ने उससे 5 लाख रुपए महीने की रंगदारी मांगी थी। नर्सिंग होम संचालिका का कहना है कि जिसके बाद वो अपने साथ हुई मारपीट और लूट की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार मिश्रा से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंची तो वहां पहले से नामजद आरोपी एसपी अनिल कुमार गुप्ता के पास बैठा हुआ था, जिसके कारण एसपी द्वारा उसे कार्यालय से बाहर 3 घंटे बिठाया गया। हम आपको बता दें कि नर्सिंग होम संचालिका ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है वो क्षेत्र के बीजेपी के जाने माने नेता अनिल गुप्ता हैं। शायद ऊंचे रसूख के चलते उन पर कार्यवाही नहीं होती। जब 3 घंटे के इंतजार के बाद जब नर्सिंग होम संचालिका एसपी से मिली और उन्हें अपनी पीड़ा बताई तो उन्होंने भी मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया। ऐसा ही कुछ कहना था डॉक्टर रश्मि मिर्जा का। मैडम, जो आपकी तरफ से आपको जो मारपीट की गई उसके तरफ से आपको जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है तो उसमें आप किस प्रकार की धमकियां मिल रही है? एक्चुअली यहाँ पर जो एक लोकल में अनिल गुप्ता नाम का व्यक्ति है, उसके भाजपा से भी अच्छे संबंध है और स्थानीय विधायक भी उनको जो है सपोर्ट करते हैं, और वो ये कहता है कि मैं जो यहाँ पे संजीव गुप्ता आईपीएस हैं, आईजी संजीव गुप्ता, उनका और कई और अन्य आईपीएस ऑफिसर्स का नाम लेता है वो, कि मैं उनका पैसा 2 नंबर का बाजार में लगाता हूँ और इसलिए वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं जिसको चाहूँ उसको जो है झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में भिजवा सकता हूँ। और उसने मुझसे ये भी कहा है कि अगर आपको यहाँ रहना है, अपने परिवार की सुरक्षा चाहती हो, अगर यहाँ रहना है, अस्पताल चलाना है, अपना काम करना है, तो आप 5 लाख रुपए महीना हमें दीजिए, अन्यथा हम आपको यहाँ रहने लायक नहीं रखेंगे। इवन उसने मुझे गैंगरेप की धमकी दी, और जब मैं शिकायत करने गई एसपी साहब के सामने तो वहाँ पर भी वो पहले से ही मौजूद था, वो पूरी तरह से उसी का साथ दे रहे थे एसपी साहब। आपको कोई जानमाल की भी धमकी दी गई आपको, आपके पति को या बच्चों को? मेरे पति को इतना धमकाया गया कि वो डर की वजह से घर छोड़कर चले गए थे आज से 3 महीने पहले, और 3 महीने से मैं लगातार एसपी साहब से जो है सुरक्षा की और न्याय की गुहार कर रही हूँ। लगातार मेरी जो है चिट्ठियाँ, लगातार मेरी, मैं उनसे मिल रही हूँ और अपनी बात कह रही हूँ। इन लोगों से मुझे खतरा है, इस व्यक्ति से मुझे खतरा है, लेकिन जब वारदात होने के बाद जब मैं उनके पास शिकायत करने गई तो वही व्यक्ति उनके साथ में बैठा हुआ था। तो पुलिस का सपोर्ट कर रही है जी? आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बस ये है कि आप मीडिया और चैनल वालों के माध्यम से जो दबाव बना है उस दबाव में मेरी एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उससे पहले मेरे पति के ऊपर एक झूठा मुकदमा, एक झूठा एफआईआर लिख दिया गया है। तो यहाँ की पुलिस उससे मिली हुई है अभी तो, यही लग रहा है।